शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 16। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 16। दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया था कि मफीबोशेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़ी जिन बांधे हुए गद्दों पर 200 रोटी, किशमिश की 100 टिकिया, धूपकाल के फल की 100 टिकिया और कुप्पी भर दाख मधु लादे हुए उससे आ मिला। राजा ने सीबा से पूछा, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है? सीबा ने कहा, गधे तो राजा के घराने की सवारी के लिए है और रोटी और धूपकाल के फल जवानों के खाने के लिए है, और दाख मधु इसलिए है कि जो कोई जंगल में थक जाए वह उसे पिए। राजा ने पूछा, फिर तेरे स्वामी का बेटा कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो यह कहकर यरूशलेम में रह गया कि अब इसराइल का घराना मुझे मेरे पिता का राज्य फेर देगा। राजा ने सीबा से कहा, जो कुछ मफीबोशेत का था वह सब तुझे मिल गया। सीबा से कहना, प्रणाम, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिमी नाम का था और वह कोसता हुआ चला आया और दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दहिनी बाई और थे। और शिमी कोसता हुआ यो बकता गया कि दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा, यहोवा ने तुझसे दाऊद के घराने के खून का पूरा पलटा लिया है जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है और इसलिए कि तू खूनी है तू अपनी बुराई में आ फंस गया। तब सरूयाह के पुत्र अभिषय ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। राजा ने कहा, सरूयाह के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वह जो कोसता है और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? फिर दाऊद ने अभिषय और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र ही मेरे प्राण का खोजी है तो यह बिन्यामिनी अब ऐसा क्यों न करे? उसको रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप की संति मुझे भला बदला दे। तब दाऊद अपने जनों समेत अपना मार्ग चला गया और शिमी उसके सामने से पहाड़ की अलंग पर से शाप देता और उस पर पत्थर और धूली फेंकता हुआ चला गया। निदान राजा अपने संघ के सब लोगों समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा और वहां विश्राम किया। अबशालोम सब इसराइली लोगों समेत यरूशलेम को आया। जब दाऊद का मित्र एरे की हुशे अबशालोम के पास पहुंचा तब हुशे ने अबशालोम से कहा, राजा चिरंजीव रहे, राजा चिरंजीव रहे। अबशालोम ने उससे कहा, क्या यह तेरी प्रीति है जो तू अपने मित्र से रखता है? तू अपने मित्र के संग क्यों नहीं गया? हुशे ने अबशालोम से कहा, ऐसा नहीं, जिसको यहोवा और वे लोग क्या बरन सब इसराइली लोग चाहे उसी का मैं हूं और उसी के संग मैं रहूंगा, और फिर मैं किसकी सेवा करूं? क्या उसके पुत्र के सामने रहकर सेवा न करूं? जैसा मैं तेरे पिता से रहकर सेवा करता था वैसा ही तेरे सामने रहकर सेवा करूंगा। तब अबशालोम ने अहितोपेल से कहा, तुम लोग अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। अहितोपेल ने अबशालोम से कहा, जिन रखेलियों को तेरा पिता भवन की चौकसी करने को छोड़ गया उनके पास तू जा, और जब सब इसराइली यह सुनेंगे कि अबशालोम का पिता उससे घिन करता है तब तेरे सब संगी हियाव बांधेंगे। सो उसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया और अबशालोम समस्त इसराइल के देखते अपने पिता की रखेलियों के पास गया। उन दिनों जो सम्मति अहितोपेल देता था वह ऐसी होती थी
कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अही तो पेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो जो सम्मति देता वह ऐसी ही होती थी।